आपने अक्सर देखा होगा, आजकल के लड़के हों या लड़कियां फैशन के चलते अपने पैर में या हाथ में काला धागा बांध लेते हैं, है ना? काला धागा बांधते हुए देखा है ना आपने? क्यों? क्योंकि वो टीवी पर देख रहे हैं, नेट इंटरनेट पर सभी को एक्ट्रेस होती हैं या कोई भी है उसको देख रहे हैं कि उनके पाँव में या हाथ में काला धागा बंधा हुआ है। अब वो उनकी नकल करते हुए ये तो देख लेते हैं कि काला धागा बंधा हुआ है, लेकिन इस काले धागे को बांधना कैसे है ये नहीं जानते। किस दिन बांधना है, कहाँ से लेकर आना है, कैसा धागा होना चाहिए, ये कुछ नहीं जानते और बांध लेते हैं। आपको नहीं पता ये काला धागा भी आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आता है। ये काला धागा जरूरी नहीं है आपको नज़र से ही बचाएगा, अगर आपने गलत तरीके से इसका प्रयोग किया तो ये तो आपको दुर्भाग्य की तरफ ले जाएगा, आपका जीना हराम कर देगा, आपके जीवन में सारी परेशानियों की जड़ बन जाएगा एक काला धागा। तो कैसे बांधना है इस काले धागे को, कहाँ से लेकर आना है, किस तरीके का होना चाहिए काला धागा, तो आज ये सब बताने वाली हूँ। काला धागा शनि देव का होता है, काला रंग शनि देव का होता है, और जब हम काला धागा बांधते हैं तो शनि देव हमसे प्रसन्न होते हैं, ये तो सभी जानते हैं काला रंग शनि देव का होता है। तो इसलिए काला रंग जब हम काले धागे के रूप में प्रयोग करते हैं तो उससे नजर दोष दूर होता है, बददुआ जो लग जाती है, हाई लगती है, वो दूर होती है। लेकिन इसको लेके आने का क्या तरीका होता है पहले वो बताती हूँ। इसको लाने के लिए हमें कभी भी मार्केट से नहीं लिया जाता है काला धागा जब हमें अपने पाँव में या हाथ में बांधना है, इसको लेके आना होता है भैरव जी के मंदिर से। भैरव बाबा के जो मंदिर होता है वहाँ के पास जो मार्केट लगा होता है वहाँ से आप लेकर आइए और उसी धागे को आप बांधिए। ये नहीं केवल आप मार्केट गए और वहाँ से कोई भी धागा खरीदा काले रंग का और लेके बांध लिया, नहीं, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये वो चीज़ नहीं है फिर जो आप सोच रहे हैं, आप उपाय कर रहे हैं, ये केवल आपका फैशन बनकर ही रह जाएगा। आपको इसको अपनी निगेटिविटी दूर करने के लिए प्रयोग करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए प्रयोग करना है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सक्सेस के रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन के सारे ब्लॉकेज दूर हो जाएं, तो उसके लिए आपको जो प्रयोग करना है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात जरूरी कि इसको हमें लेकर आना है भैरव बाबा के मंदिर से या शनिदेव के मंदिर के बाहर से। भैरव बाबा के मंदिर के बाहर भी जो दुकानें होती हैं शनिदेव का। दूसरी बात, इसको कभी भी प्लेन नहीं बांधा जाता है। तो कैसे बांधते हैं, इसमें लगाई जाती हैं 9 गांठें, ऐसे धागा लिया और इसमें फिर 9 गांठें लगाई जाती हैं, और क्या बोलते हुए लगाएंगे, ओम सम शनेश्वराय नमः, क्योंकि काले रंग का धागा है और शनिदेव का होता है, तो ओम सम शनेश्वराय नमः, ओम सम शनेश्वराय नमः, ऐसे दो, फिर ओम सम शनेश्वराय नमः, ओम सम शनेश्वराय नमः, तो इस तरीके से हम ये गांठें लगा लेंगे, है ना? उसके बाद जब ये 9 गांठें कंप्लीट हो जाएंगी तब ये धागा हमारा कंप्लीट होगा। अब बात आती है तो इसको हम बांधें कौन से दिन, इसको शनिवार के दिन ही बांधना है। किस समय, या तो सूर्योदय से पहले बांधना है, सूर्य की नजर नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि शनि देव सूर्य देव दोनों एक साथ नहीं रहते, सभी जानते हैं शनि देव के पिता हैं सूर्य देव और दोनों की युति एक नहीं है, दोनों की एक साथ मौजूदगी नहीं होती। तो इसलिए जब शनि देव का कोई उपाय किया जाता है तो ये देखा जाता है कि सूर्य की हम पर नजर तो नहीं पड़ रही, तो या तो सूर्योदय से पहले ये धागा बांधना है या फिर सूर्यास्त हो जाए तब, यानी कि शाम के समय। तो पहले हम उसी समय फिर हम ये धागा तैयार करेंगे, धागा लेकर हम पहले आ सकते हैं, धागा तो लाकर रख सकते हैं, लेकिन जो 9 गांठें लगाएंगे उसी समय हम मंत्रित करेंगे, 9 बार गांठें लगाएंगे, 9 बार मंत्र बोलकर फिर इसको धारण करेंगे। इसको धारण करके फिर आप अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हों, नज़र दोष लगा हो, हाई लग रही हो, मेरे जीवन में जो परेशानियां हो, ब्लॉकेज हो, हे शनिदेव महाराज उन सब को दूर कीजिए। इसको एक केवल फैशन का माध्यम मत बनाइए, ये एक छोटा सा 2 रुपए का काला धागा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है आप जो सोच रहे हैं।
आप इसको बस एक धागे के रूप में पहन के सोचते हैं कि हो गया, नहीं, ये मामूली चीज़ नहीं है। आप करके देखिए जैसे बता रही हूँ उस तरीके से, आपको चमत्कारी लाभ प्राप्त होंगे। आप कहेंगे कि हाँ दीदी आपने बहुत अच्छे से बताया, वरना क्या सीधा धागा लाए और जल्दी से बस उसको पहन लिया, हो गया। बहुत गलत है ये, कभी भी काले रंग का धागा प्लेन नहीं पहना जाता है, 9 गांठें लगाकर ही पहनते हैं। और जब आपका वो धागा खंडित हो जाए, उतर जाए, तब उसको फिर जब दोबारा भी पहनना है तो उसी विधि से पहनना है कि आपको भैरव बाबा के मंदिर से लेकर आना है, शनिवार के दिन ही 9 गांठें लगानी है, मंत्रित करना है ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार करते हुए फिर आपको ये पहनना है। और दूसरी बात बहुत जरूरी, जब भी हम शनिदेव का कोई भी उपाय करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना है कि हमारे कर्म सही हों, क्योंकि शनिदेव महाराज दंडाधिकारी हैं, जैसे पुलिस कमिश्नर, जज, ये तो बहुत छोटे शब्द हुए, न्यायाधीश जिसको बोलते हैं ना, दंड के लिए भगवान ने उनको दंडाधिकारी बनाया है, जो गलत कर्म करेगा उसको सजा देंगे शनिदेव, तो तभी तो ढीला लगती है शनि, 7:30 लगती है। तो बस ये उपाय तो कर रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है। आप सोचे केवल उपाय कर लिया और आपको लाभ मिल जाएगा, यदि आपके कर्म खराब हैं, आप गलत कार्यों में लगे हुए हैं, तो कभी भी आपको शनिदेव से लाभ नहीं मिलने वाला, शनिदेव आपको कभी भी अच्छे लाभ परिणाम नहीं देंगे। तो शनिदेव के लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्म अच्छे रखिए, गरीबों की मदद कीजिए, कौए को भोजन कराइए, गाय को गुड़ गुड़ खिलाइए, गरीबों को जब भोजन कराएंगे, पक्षियों को पानी पिलाइए, दाना खिलाइए, और फिर देखिए आपके जीवन की सारी रुकावटें कैसे दूर करते हैं शनिदेव, सारे ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे जब शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो बस ये 2 रुपए का धागा लेकर आइए और मेरे तरीके से प्रयोग कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ, और विदा करने से पहले एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, आपने अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया हो तो बेल आइकॉन पुश कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन नित्य मिलते रहे। डेली बहुत अच्छे अच्छे आपके जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए लाभकारी वीडियोज लेकर आती रहती हूँ, जो कि आपको बहुत रिलैक्स करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए प्रतिदिन नए वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।